हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है और मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन हूँ फरुखाबाद शहर यूपी में। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टू गिव माय टेस्टिमोनियल फॉर द फाइनेंस कोर्स दैट आई माईसेल्फ अटेंडेड इन मई 2022। ये कोर्स डॉक्टर बबदीप सिंह आहूजा सर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका टेस्टिमोनियल देने के पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ये कोर्स क्यों अटेंड किया था, जिससे कि शायद आप लोग भी उन कंडीशंस में हों और आप मेरी चीज़ों से अपने आप को कोरिलेट कर पाएँ। जैसे कि हम जानते हैं कि डेंटिस्ट्री खुद अपने में एक नोबल प्रोफेशन होने के अलावा एक बिज़नेस है, और कोई भी बिज़नेस बिना पैसे के नहीं होता, उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहाँ पे पैसे को हमें मैनेज करना भी आना चाहिए। हम लोग जब कॉलेज से पास होते हैं तो उसके बाद या तो नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी चालू करते हैं, और काफ़ी टाइम हम लोग अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने में खर्च करते हैं, अलग अलग कोर्सेज करते हैं, और अल्टीमेटली जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश होती चली जाती है, हमारा मनी का इनफ्लो बढ़ता चला जाता है। इस पूरे पार्ट में कॉलेज की पढ़ाई से लेकर के क्लिनिक को इस्टेब्लिश करना और उसको रन करने में, कहीं पर भी हमें फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। उसका नतीजा ये होता है कि जब हमारे पास एक अच्छा अमाउंट आना चालू होता है प्रैक्टिस स्टार्ट करने के कुछ साल बाद या जॉब ज्वाइन करने के कुछ साल बाद, तो हम लोग उस पैसे को कैसे मैनेज करना है उसके लिए हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर किसी से अलग अलग प्रकार की टिप्स लेते हैं या उनसे हम गाइडेंस मांगते हैं। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आपके पैसे को आपसे अच्छा कोई मैनेज नहीं कर सकता। अब क्योंकि आपको खुद उसे मैनेज करना है तो इसलिए आपको फाइनेंस की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोफेशनल सेफ्टी के लिए, अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कौन कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए, जैसे कौन सा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल इंडेम्निटी क्या होता है, कितने का लेना चाहिए, उनको लेते समय क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसी प्रकार से हमारी नीड्स वांट और हमारी सेविंग्स में क्या क्या हमारा प्रोपोर्शन होना चाहिए, हमें अपनी सेविंग जो हम कर रहे हैं उनमें से कितना पोर्शन हमारा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कितना शेयर्स में जाना चाहिए, कितना हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को करने से पहले कैसे अपने गोल्स को समझना चाहिए और हमारे गोल्स और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या रिलेशन है। इसी प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन सा भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, हम कैसे गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई अलग अलग प्रकार की इनकम टैक्स की छूटों को यूज़ करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको एक बेसिक लेवल पे होनी चाहिए। और होता यह है कि हर साल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है, हम लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पे या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी होता है उस पर डिपेंड करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई इनकम टैक्स और टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो हमको कोई बता देता है कि म्यूचुअल फंड में इतना डाल दो, कोई कह देता है कि पीपीएफ में इतना डाल दो, बट ये सही तरीका नहीं है।
डॉक्टर भवदीप सिंह आहूजा खुद एक प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन हैं जो कि पिछले करीब 22-23 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके अलावा वो MBA फाइनेंस भी हैं। अब क्योंकि वो खुद एक डेंटल सर्जन है तो वो हम लोगों की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे परेशानियाँ आती हैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन को, उसके कमाने का तरीका क्या है, उसके खर्चे क्या हैं, प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर क्या है, वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। इसलिए इस फाइनेंस के बेसिक को समझने के लिए उनसे अच्छा एक डेंटल सर्जन के लिए उनसे अच्छा और कोई पर्सन इस समय अवेलेबल नहीं है। सर ने इस कोर्स में बहुत ही बारीकी से और बहुत ही शिद्दत से आपको सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की। अगर आप मेरी बताई हुई इन बातों में से किसी भी प्रकार से अगर अपने आप को कोरिलेट करवा रहे हैं तो आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।